हेलो वॉचर्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ इंडिया की सबसे बेस्ट हॉरर मूवी तुम्बाड़ की एक्सप्लेनेशन विद लॉट ऑफ फन एज यूजुअल। गाइस तो बहुत मजा आने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आज नहीं करेंगे बकवास, करेंगे कहानी की शुरुआत। लेकिन अगर नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यार मैं मूवी को एक्सप्लेन करता हूँ हंसते हंसाते और मजे दिलाते। सो गाइस लेट्स बिगिन। तो संसार की जब हो रही थी रचना, तो पूर्ति की देवी ने जन्म दिया 16 करोड़ देवी देवताओं को अपने कोख से। लेकिन देवी की पहली संतान हस्तर था लालची, पाना चाहता था अनाज और सारा का सारा सोना, तो किया मनमानी और रखने लगा सब कुछ अपने पास। तो बाकी देवी देवताओं ने मिलके दिया श्राप, लेकिन पूर्ति की देवी को था पहली संतान से प्यार, बचाया उसको, जगह दिया कोख पर लग गया श्राप का वार। श्राप ये था कि न उसे पूजा जाएगा और न ही उसे जाना जाएगा। मगर लालच की कोई सीमा नहीं होती है ना। लालची इंसानों ने बना दिया हस्तर का एक मंदिर और पूजा करने लगे। गुस्सा होकर इसीलिए बाकी देवी देवता वहाँ पे बारिश करने लगे और वहाँ पर कंटिन्यूसली बारिश हो ही रही है और गांव का नाम है तुम्बाड़। तो कट्टू सीन 1918 में, जहाँ पर एक ब्राह्मण महिला जा रही है एक वाड़े में। वाड़ा मतलब यार एक पुराना बड़ा बंगला टाइप घर होता है। वॉचर्स, एनीबॉडी मराठी इन द ऑडियंस, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैं सही तो बता रहा हूँ ना। खैर बैक टू द स्टोरी। वो महिला देती है सेक्सुअल प्लेजर, जिससे मिलेगा उसे एक मौका। अगर खुश हुआ सरकार तो देगा सोने का एक सिक्का। इधर उसी महिला के दो बच्चों को भी दिखाया जाता है, जो कि बेसिकली सरकार के ही है। सरकार इसी बुड्ढे का नाम है। कुछ दिनों बाद सरकार गया ऊपर, तो देखकर महिला समझ गई कि अब कोई नहीं एहसान करेगा उन पर। इसीलिए फैसला किया कि बच्चों को लेकर वो जाएगी पुणे। मगर एक बच्चा गिर गया पेड़ से, फट गया सर, तो सभी लग गए रोने। महिला लेकर चली गई उसको अस्पताल में। डरकर पूछा विनायक राव कि क्या दूंगा मैं बुढ़िया को खाने में। हाँ हाँ गाइस समझ रहा हूँ, विनायक राव इस लड़के का नाम है। और बुढ़िया कौन है? सब कुछ बताऊंगा भाई, बस सुनते रहो। आगे विनायक राव खाना बनाने लगता है और बुढ़िया भी कराहने लगती है भूख से। आवाज सुनकर विनायक राव जाता है बुढ़िया के पास। बुढ़िया बोली, पता है भूख लगी है, खाऊंगी मैं खाना, मेरे पास आ, बताऊंगी तुझे कहाँ गड़ा है खजाना। भाई लोग और उनकी बहन लोग, कहानी को समझो। ये बुढ़िया श्रापित है और श्राप मिला है उसको हस्तर की वजह से। कैसे ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सरकार के ही खानदान की पूर्वज है, मतलब इसीलिए विनायक राव उसको दादी कहता है। लेकिन उसको सुलाने के लिए एक सेंटेंस बोलते हैं, सोजा दादी वरना हस्तर आ जाएगा। और यही सेंटेंस विनायक राव डर के मारे फूल जाता है और दादी कुछ ऐसी बन जाती है, जिसके बाद वो उसको पकड़ कर मारने ही वाली होती है कि विनायक राव चिल्लाता है जोर से, दादी सोजा वरना हस्तर आ जाएगा। अच्छा हो गया कि याद आ गया, वरना गया था आज विनायक राव। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर विनायक की माँ आ चुकी है। विनायक के भाई की अब मृत्यु हो चुकी है, तो बिठा कर नाव में माँ बोली राव से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि सतारा जाएंगे। मगर विनायक बोला, अगर हमने इतनी सेवा की है सरकार की और अगर वो मर गया है तो वाड़ा तो अपना हुआ ना, एटलीस्ट खजाना तो ढूंढते हैं। बुढ़िया को भूखा रखेंगे तो जरूर बताएगी कि खजाना कहाँ है। तो और क्या दिया माँ ने दो चार खींच के और बोली, लालच तेरे सर पे चढ़ गया है कुकुर, मेरा एक बेटा पहले ही मर चुका है, तू भी मना चाहता है क्या? खा मेरे सर की कसम कि नहीं आएगा तुम्बाड़। और विनायक राव खा लेता है कसम। लेकिन 15 साल बाद विनायक ने किया वापस दादी को याद। वापस आया वो तुम्बाड़, जहाँ दादी बन चुकी है लकड़ियों का पहाड़। क्योंकि माता जी जा चुकी है ऊपर, तो कसम भी उनके साथ ऊपर गई ना, इसीलिए तो आया है साला लालची। अभी भी धड़क रहा होता है बुढ़िया का दिल, घर लगता है जैसे हो किसी जंगल के शैतान का बिल। बुढ़िया से पूछता है विनायक राव खजाने का पता, तो बुढ़िया बोलती है, कहती है कि मेरे को मुक्ति चाहिए और तुझको खजाना, बताऊंगी मैं मगर खजाना मिलते ही पड़ेगा मुझे जलाना। और हो जाती है विनायक राव और दादी की डील डन। दादी बताती है कि बचपन में वो रस्सी चढ़ने में बहुत तेज थी, इसीलिए कुएं में उतर सकती थी, खजाना उसी कुएं में है। मगर हस्तर ने उसे एक दिन छू लिया और उसे भी श्राप लग गया। और वो साथ ही सिक्के हासिल करने के उपाय को भी बताती है। एज पर डील विनायक राव दादी को जला देता है और कुएं से कुछ सोने के सिक्के लेकर बाहर निकलता है। जब वो पुणे शहर वापस पहुंचता है, वैसे सेट तो बहुत ही मस्त बनाया था आगे उसको कोई घर पर पहचानता नहीं, यार दाढ़ी वाड़ी बना ली थी ना। इसके बाद हालत ठीक करके पहुंचा विनायक मुनीम के पास और बेचा एक सोने का सिक्का 100 रुपए में। अबे उस जमाने में 100 रुपए बहुत थे क्या? अरे 1930s की बात हो रही है। तो समय के साथ विनायक राव बार बार जाकर सिक्के लाने लग गया रेगुलरली। अब उसके पास बड़ा घर,
पैसा सब कुछ हो गया था, पर लालच है ना दोस्तों बस बढ़ती ही जाती है। मुनीम भी पूछता है कि कहीं लूट मार करके तो नहीं लाते हो ना विनायक, तो विनायक राव कहता है ये अपना पुश्तैनी माल है क्या। तो मुनीम भी कहता है सुनो विनायक, मुझे ऐसा लगता है पैसों को मैनेज तो कर नहीं पाते होगे, तो मेरे को पार्टनर बना लो ताकि रिस्क भी डिवाइड हो जाए। मगर राव बोलता है सुन बे लपर झंडस, तू अपना काम देख मैं अपना काम देखेगा, कुछ चाहिए तो मुंह खोल। तो आगे मुनीम थोड़ा ओवर स्मार्ट बन जाता है और एक पैसा को खरीद कर गिफ्ट के रूप में विनायक राव के यहाँ काम पर लगा देता है, जिससे कि विनायक उसके जाल में फंसे और तुम्बाड़ जाकर मुनीम भी खजाना ढूंढ ले। लेकिन वैश्या को कुछ और पैसे देने पर वो सब उगल देती है। तो गुस्से में पागल विनायक मुनीम से पहले तुम्बाड़ पहुंच जाता है और ऐसा जताता है मानो वो कुछ जानता ही नहीं, जिसके बाद वो कुएं में घुस जाता है और सोने के सिक्के लेकर चला आता है। ये सब कुछ मुनीम देखता है तो वो सोचता है कि मैं भी हर हर गंगे बोल के कुएं में डुबकी मारूंगा और निकालूंगा खजाना। मगर भाई लोग और उनकी बहन लोग सुनो, ये कोई आम कुआं नहीं है बल्कि पूर्ति की देवी के गर्भगृह का द्वार है। हाँ, और नहीं तो क्या। तो चला गया अंदर मुनीम, अंदर सब कुछ लाल लाल जैसे कोई सांस ले रहा हो। वहीं पर एक बॉक्स रखा होता है जो कि बेसिकली विनायक राव रख के गया था, जिसमें होती है एक आटे की गुड़िया। खोलते ही आ जाता है हस्तक और अनाज को खाने के साथ साथ मुनीम को शापित भी कर देता है। थोड़ी देर बाद राव आता है और मुनीम को दर्द में देखकर वो उसे चला देता है और मुक्त कर देता है, क्योंकि कभी उसने राव की बहुत मदद की थी। अब आगे दिखाया जाता है 1947 का टाइम, जहाँ पर विनायक राव भोग विलासिता में डूब चुका है। अब वो बूढ़ा भी हो गया है और तीन बच्चों का बाप भी बन चुका है, दो जुड़वा बेटियां और एक बेटा पांडुरंग जो पांव से अपाहिज है। मगर देश आजाद होने वाला था तो वाड़ा अब गवर्नमेंट के अंडर आने वाला था और वो भी बूढ़ा हो रहा था। मगर वो अपने बेटे को गर्भगृह का वर्क स्टेशन बनाकर घर में ही ट्रेनिंग दिया करता था। अपने साथ वो उसे अब वाड़ा ले जाता है, वो आटे की गुड़िया बनाता है और सब कुछ समझाने के बाद गर्भगृह में ले जाता है। मगर साला पांडुरंग निकला ओवर स्मार्ट, अपने पास एक आटे की गुड़िया पहले से ही रख ली थी, जिसको देखते ही हस्तर आ जाता है और जिसके बाद विनायक राव जैसे तैसे बेटे और खुद की जान बचाकर बाहर निकलता है। मगर निकलने से पहले हस्तर से पांडुरंग कुछ सिक्के लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही तड़ा तड़ मार साले को, पांडुरंग ने तो आज मरवा ही दिया था। जिसके बाद वो कहता है सॉरी पापा, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। घर जाकर उसके तेवर ही अलग हो जाते हैं। वो उसी वैश्या से कहता है तू ये सिक्का रख, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी तेरे पास आऊंगा और तुझसे ही शादी करूंगा। इस पूरे खानदान में ना सारा लालच और ठरक भर भर के भरे लायक है, हवस के भूखे हैं सब। आगे जब विनायक राव को यह बात पता चलता है तो वह साले को पटक पटक के पीटता है। वैसे भी वाड़ा हाथ से जाने वाला है और इसको औरतें चाहिए, इतना बड़ा हो गया है, मर साले को। लेकिन पांडुरंग है ना इसी का लौंडा है, मार खाते खाते भी दिमाग चलाता है। बोलता है कि आप एक ही गुड़िया क्यों बनाते हो, क्यों खिलाते हो, ढेर सारे बनाओ ताकि हमें ढेर सारा टाइम मिल सके, तो हम ढेर सारे सिक्के हस्तर से ले लेंगे। और ये आइडिया विनायक राव के दिमाग में क्लिक हो जाती है और वो बोलता है साला ये मैंने क्यों नहीं सोचा। तो और क्या, बनाते हैं ढेर सारे आटे की गुड़िया और जाते हैं गर्भगृह में और बनाते हैं आटे की रेखा और निकालने लगते हैं गुड़िया। लेकिन गुड़िया दो करने पर हस्तर भी दो हो जाता है, जितने गुड़िया उतने हस्तर। हस्तर अन्न को छू तो नहीं सकता है, मगर कोई उसे खाने को दे तो वो खाता जरूर है। जन्मों का भूखा हस्तर खाना बढ़ा तो रूप भी बढ़ गया, मगर वो अनाज की रेखा को लांग नहीं सकता था। अब दोनों के दोनों गर्भगृह में फंस चुके थे, इसीलिए अपने बेटे के लिए विनायक राव खुद को सेक्रीफाइस करने का सोचता है और सारी गुड़ियाओं को खुद में बांध कर ऊपर जाने का डिसाइड करता है। जब वो जाता है तो सारे के सारे हस्तर उसके पीछे जाने लगते हैं और गर्भगृह से निकलने लगते हैं, जहां आटा यानी कि अनाज की रेखा बनी होती है, जिससे कि सारे हस्तर भस्म हो जाते हैं। श्राप के अनुसार हस्तर अन्न को हाथ नहीं लगा सकता था, जिसके बाद रोते हुए पांडुरंग बाहर निकलता है और जहां पर विनायक राव को भी दादी और मुनीम की तरह श्राप लग चुका होता है और उसके हाथ में सोने से भरी एक पोटली भी होती है। मगर पांडुरंग को एहसास हो जाता है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, इसीलिए वो अपने पिता को चला देता है और उसे इस श्राप से मुक्त कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों इस मूवी के पीछे बहुत ही अच्छा मैसेज छिपा है कि लालच आप जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ता जाएगा, पाने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो चाहे दुनिया में कुछ भी पालो, आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। खैर दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको और कौन सी मूवी नटशेल में या एक्सप्लेनेशन में देखनी है। तो गाइज मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।